रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग के बांसवाड़ा में हुए हादसे के बाद अब सरकार व प्रशासन के साथ ही कार्यदायी कंपनी भी हरकत में आ गई है। यहां निर्माण कार्य ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है, साथ ही अधिकारी भी अब सुबह से ही पूरे मार्ग पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि शासन प्रशासन से जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है, साथ ही किसी भी तरह की चूक न हो इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वही निर्माण कार्य को लेकर जब कंपनी के इंजीनियरों से बात की गई तो उन्होंने कार्य योजना को लेकर जानकारी दी, जिससे मजदूर को भी किसी प्रकार की हानि ना हो, साथ ही निर्माण कार्य को भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। इन लोगों के लिए अब है व्यवस्थाएं पूरी परसों की घटना के बाद पीने के पानी की व्यवस्था है। मेन इस समय टारगेट यही है कि आप टॉप जोनों पे क्या प्रिकॉशन तो इसके पीछे से अंत तक आटोगे आप नीचे तक यहाँ तक कितना टाइम ले साइड पर हमें डायलेटर वगैरह सारे लगवाए हैं, सेफ्टी रिबन लगवाए हैं, सारे लगवाए हैं अलर्ट करने के लिए, लेबर को अलर्ट करने के लिए हमने कुछ कुछ लेबर जो पहाड़ी की ओर देखें देखते रहें कि कोई पत्थर मलवा आ रहा है तो उसको हमें एकदम से जानकारी देते हैं। इसको बचाव के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले हम रिटेनिंग वॉल लगाएंगे। रिटेनिंग वॉल लगाने से क्या हो जाएगा कि हमारे जो स्पेस होगा रास्ते का वो पूरा हमें मिल जाएगा, ताकि ट्रैफिक को निकलने के लिए हमें रास्ता मिल जाए। इसके बाद जो हमारे लूज पोर्सन है, ये काफ़ी टाइम से बहुत लूज पोर्सन है, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए गैबियन बनाएंगे और इसे छोटे छोटे पोर्शन में लेकर के इसको आगे बढ़ते रहेंगे, जिससे हमारे मजदूर और सेफ्टी हमारे लिए बनी रहे। हाँ सर, हमारी ओर से तो पूरी कोशिश की जा रही है सर कि हम इसे कर लें पूरा यहाँ पे, कि लेबरों को जो उनकी फैसिलिटीज हैं उनको दे सकें, हमारी ओर से पूरा किया जा रहा है। अब देखते हैं सर, अब आगे भी हम के लिए कुछ करते रहेंगे, बाकी हेलमेट वगैरह जितना भी इनके सेफ्टी के लिए हमने सारा इनके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। निश्चित रूप में ये बहुत दुखद घटना थी जहाँ पे काफ़ी मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी है इस चारधाम परियोजना के निर्माण के लिए, और ये प्राकृतिक हादसा नहीं, ये मानव द्वारा किया गया एक हादसा ही मैं इसको मानूंगा। क्योंकि अगर कंपनी, विभाग और प्रशासन अगर सुरक्षा के इंतजाम अगर कि उस दृश्य से देखता तो ये हादसा नहीं हो सकता था, टल सकता था, परंतु इसमें घोर लापरवाही बरती गई है, कहीं सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, और ऐसे संवेदनशील स्थानों पे कंपनी इस हिसाब से काम कर रही, विभाग और प्रशासन मौन बना हुआ है, निश्चित रूप में ये इनकी लापरवाही के कारण घटित घटना हुई है। हम लोग हादसा जो घटा उसके बाद हमारे कंपनी के अधिकारी लोग प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय बैठाकर बातचीत कर और उनके निर्देशा अनुसार काम को दोबारा गति प्रदान की है। इस मार्ग पर जहाँ जहाँ ऐसे स्थान हैं उनको चिन्हित किया गया है, प्रशासन ने बताया है और हमारी अपनी टीम ने भी उनको स्थानों को चिन्हित कर उन स्थानों पर विशेष व्यवस्था बनाई है। वहाँ पर पहले से ही सुरक्षात्मक और की सुरक्षा दृष्टि से, मजदूरों की सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने वहाँ पर मेडिकल की दृष्टि से सब व्यवस्थाएं, वहाँ के तकनीशियन, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर, वहाँ पर हमारे सुपरवाइजर विशेष दृष्टि रखते हैं वहाँ पर काम की दृष्टि से। ब्यूरो रिपोर्ट, हेलो उत्तराखंड न्यूज, रुद्रप्रयाग।